डांस के लिए, प्रोमो के लिए? हाँ, तो डांस दीवाने में एक खासियत ये है इसकी कि पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें तीन जनरेशन्स कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स, और तीनों जनरेशन में हमें बहुत ही बेहतरीन डांसर्स मिले हैं, तो लोग वो देख ही लेंगे अभी। थोड़ा लाउड जी। हाँ, रेस 3 के प्रमोशन के लिए सलमान खान, अनिल जी और उनका पूरा जो स्टारकास्ट है वो आया था, और बहुत मज़ा की उन्होंने। सलमान जी तो कुछ स्पेशल मूड में थे, तो हर पार्टिसिपेंट के साथ डांस भी कर रहे थे वो, और अनिल जी, और उनमें कंपटीशन फिर छिड़ गई कि कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो बहुत मज़ा आया। कौन सा ट्रेलर? रेस 3 बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है, मतलब गाड़ियाँ उड़ रही है और ऐसा लग रहा है, बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। वो खुद को कहते ही हैं बॉडीगार्ड, बोलते मैम हम लोग तो आपके बॉडीगार्ड हैं, हम एक 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 तरफ बैठा हुआ है एक दूसरी तरफ। लेकिन जोक्स अपार्ट, तुषार बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, झलक में भी रह चुके हैं, टॉप 3 में थे हमेशा कोरियोग्राफी में, और अब फिल्म्स भी कर रहे हैं कोरियोग्राफ वो। और शशांक तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दोनों फिल्म्स उनकी बहुत चली और बहुत अच्छी बनाई थी, खुद डांसर रह चुके हैं, डांस सिखा भी चुके हैं, तो उन्हें भी सेंस ऑफ डांस है, पिक्चराइजेशन है, तो कॉन्सेप्ट्स ये सब, तो बहुत मज़ा आने वाली है जब हम तीनों दीवाने इन सब दीवानों को जज करेंगे। वैसे वही कहा मैंने, जब झलक में वो जज कर कोरियोग्राफर थे और हम जज करते थे, तो उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कोरियोग्राफी है बहुत ही बेहतरीन रहती थी हमेशा, तो वो करेक्ट पर्सन है जो एज अ कोरियोग्राफर एडवाइस दे सके जो आते हैं कंटेस्टेंट्स कोरियोग्राफी के बारे में या उनके टेक्निक के बारे में, तो ही इज़ द राइट पर्सन टू डू दैट। देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज जब एडल्ट जनरेशन में भी इतने अच्छे अच्छे डांसर्स मिले हम लोगों को, जो यंगस्टर्स की जनरेशन को टक्कर दे सकते हैं, यूथ तो फॉरगेट द यूथ, यंगस्टर्स को भी दे सकते हैं, तो बहुत टक्कर की कंपटीशन रहने वाली है ये। वेल हाँ, सब आए थे और बहुत मज़ा आया, क्योंकि वरुण, आलिया ये सब आए बकेट लिस्ट देखने के लिए, पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है, सो होपफुली जब कल रिलीज़ होगी तो ऑडियंस को भी पसंद आए, बस देखते हैं जब थिएटर में रिलीज़ होगी तभी रियल टेस्ट है। वेल यही कहना चाहूँगी कि डांस दीवाने आप ज़रूर देखना, क्योंकि सैटरडेज़ और संडेज़ को 9 बजे आएगा कलर्स पे, तो जब आप डिनर वगैरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर पे भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी, दादा दादी कहेंगे नहीं हमारी जनरेशन, बच्चे कहेंगे नहीं हमारी, और पेरेंट्स बोले नहीं हमारी जनरेशन विन करने वाली है, तो बहुत खूब कॉम्पिटिशन सिर्फ TV पे नहीं घर में भी होने वाली है। ये अनोली ड्रेस डिज़ाइनर, क्या नाम है उनका, अनोली, सब नए बच्चे हैं सब जो बना रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बना रहे हैं इन लोग, और लो आपको पसंद आया ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।